सो हाय गाइस, तो कैसे हो आप सारे। मैं हूं आप सबका दोस्त एक्सपीरो, फिर स्वागत है आपका एक और नई वीडियो के अंदर। और आज वाली वीडियो में मैं आपको माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन के लिए दोबारा से देने जा रहा हूं टॉप ऑफ अमेजिंग मॉड्स। ये वाले जो मॉड होने वाले के सर बहुत ज्यादा बड़े होने वाले, और के सर फुल डिटेल आपको इस वीडियो के अंदर दूंगा कि आप इन वाले मॉड को कैसे डाउनलोड करके एंजॉय कर सकते हो। सो वीडियो को बिना स्किप करें एंड तक वॉच करते रहना। सो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, जो हमारा पहला मॉड निकल कर आता है, इस वाले मॉड का नाम है माइनक्राफ्ट बट यू कैन कैरी एनिमल लाइक दिस, जिसके हम पर देख पा रहे हैं मैंने गाइस कितने ज्यादा ऑसम तरीके से इस एनिमल को अपने हाथ के ऊपर चढ़ा कर रखा हुआ है। अगर आपको भी सीखना है कि इसको मैंने कैसे उठाया, सो गाइस वीडियो को फुल वॉच करते रहना। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको गाइस किसी भी एनिमल को स्पॉन कर लेना है। स्पॉन करने के बाद गाइस आपको क्या करना है, आपको क्राउच करना है। क्राउच करने के बाद गाइस आपको उसके सामने जाना है। जैसे आप जाओगे तो गाइस ये अरे भाग क्यों रहा है, रुक जा। सो गाइस इसको थोड़ा और आगे जाकर पकड़ते हैं। आपको गाइस सिंपली से क्राउच करना है और गाइस उसके पास जाना है। जैसे आप इसके पास जाओगे क्राउच करके, आप गाइस इसको उठा लोगे। अब आपको इसको अपने हाथ से फेंकना, कैसे फेंकने के लिए आपको सिंपली से क्या करना है, क्राउच करने के बाद आपको जंप कर देना है। जैसे आप क्राउच करने के बाद जंप करोगे, ये गाइस आपके हाथ से नीचे गिर जाएगा। अब गाइस हम यही सेम चीज हॉर्स पर ट्राई करेंगे। सबसे पहले इसके पास जाते हैं और गाइस क्राउच करते हैं, और देख सकते हो गाइस मैंने इस हॉर्स को भी उठा लिया है। देख सकते हो कितना ज्यादा ऑसम लग रहा है गाइस कि हॉर्स को अपने हाथों में उठा लिया मैंने। अब गाइस मैं इसको छोड़ देता हूं। अब गाइस मैं आपको एक चीज करके दिखाता हूं। जैसे गाइस अगर आप पिग, सीप या काऊ में से किसी भी चीज को अपने हाथ के ऊपर उठाओगे तो गाइस वो बेबी बन जाएगा। जैसे कि मैं देख पा रहा हूं काऊ, गाइस मैं इसको अपने हाथ के ऊपर उठाता हूं, देख सकते हो गाइस बेबी काऊ बन चुकी है। कितना ज्यादा ऑसम मॉड है। और आपको ये वाला मॉड कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बता देना। सो चलो गाइस ऐसे बढ़ते हैं हम अपने सेकेंड मॉड की तरफ। और अगर आपको कोई भी डाउट रहा होगा इस मॉड से रिलेटेड तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं जैसे हर बंदे का रिप्लाई 101% करता हूँ। सो गाइस अब जो हमारा सेकंड मॉड निकल कर आता है, इस वाले मॉड का नाम है माइनक्राफ्ट बट यू कैन अपग्रेड वेपन्स इजीली। इसमें गाइस आप किसी भी वेपन को इजीली अपग्रेड कर सकते हो विद गाइस वेरी लेस मटेरियल। सबसे पहले गाइस यहां पर मैंने चेस्ट के अंदर कुछ सामान रखा है, देखते क्या क्या रखा है। मैंने एक वुडन पिकैक्स, एक वुडन स्वॉर्ड, डायमंड आयरन, और साथ में गाइस थोड़े से कॉबलस्टोन यहां रखे हुए हैं। अब गाइस मैं जो वुडन स्वॉर्ड और वुडन पिकैक्स देख पा रहे हो, इसको गाइस मैं सीधे डायमंड में कन्वर्ट करके दिखाऊंगा। सबसे पहले आपको गाइस वुडन स्वॉर्ड क्राफ्टिंग टेबल के बीचों बीच रख देना है। फिर गाइस आपको क्या करना है, वुडन स्वॉर्ड के जो बाद वाली स्वॉर्ड आते हैं आपको गाइस उस वाले मटेरियल को रख देना है। जिसके यहाँ पर देख पा रहा हूँ मैंने गाइस कॉबल स्टोन को रखा, तो गाइस मुझे स्टोन स्वॉर्ड देखने को मिल गई है। अब गाइस मैं स्टोन स्वॉर्ड को बीच में रखता हूँ और गाइस यहाँ पर आयरन को रखता हूँ, तो गाइस यहाँ पर मुझे आयरन की स्वॉर्ड देखने को मिल गई। अब गाइस ऐसा करते करते मैं आयरन को रखूंगा और गाइस आयरन के साइड में डायमंड को रखूंगा, तो मुझे डायमंड की स्वॉर्ड देखने को मिल जाएगी। जिसके यहाँ पर देख कितने इजीली गाइस मैंने वुडन स्वॉर्ड से इसको डायमंड स्वॉर्ड में कन्वर्ट कर लिया है। अब गाइस मैं आपको बताऊंगा कि आप पिकैक्स को कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। सबसे पहले गाइस आपको पिकैक्स को बीच में रखना है और गाइस आपको क्या करना है, कॉबलस्टोन को गाइस थोड़ा सा इस साइड रखना है और गाइस थोड़ा सा इस साइड रखना है, जिससे गाइस आपके स्टोन की पिकैक्स बन जाएगी। अब गाइस आपको सिंपली से क्या करना है, बीच में स्टोन पिकैक्स रखना है, साइड में आपको आयरन इंगट रखना है और गाइस उस साइड भी आपको आयरन इंगट रखना है, जिससे आपके आयरन की पिकैक्स बन जाएगी। और गाइस ऐसा करते करते आपको सेम टू सेम डायमंड के साथ भी करना है। सबसे पहले आपको डायमंड को दो स्टैक में कन्वर्ट कर लेना है और गाइस फिर आपको कुछ इस तरीके से डायमंड की पिकैक्स को भी बना लेना है। देख सकते हो गाइस मैंने कितनी इजीली डायमंड की पिकैक्स बना दी। तो चलो गाइस ऐसे बढ़ते हैं हम अपने थर्ड मॉड की तरफ। सो गाइस अब जो हमारा थर्ड मॉड निकल कर आता है, इस वाले मॉड का नाम है माइनक्राफ्ट बट देयर आर डिफरेंट मॉब्स टोटम। इस वाले मॉड के अंदर गाइस आपको अलग अलग एनिमल्स के अलग अलग टोटम देखने को मिल जाएंगे, जिनका अलग अलग यूज है। जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे टोटम ऑफ सल्कर, और गाइस देखो इसने हमको लेविटेशन का इफेक्ट दे दिया है, और देखते गाइस कितने सेकंड का दिया, तो इसने गाइस हमें लेविटेशन 5 का इफेक्ट दे दिया, वो भी गाइस 7 सेकंड तक। देखने गाइस मैं जैसे ही खत्म होगा मैं गाइस अपने आप ही नीचे गिर जाऊंगा और गाइस मुझे जरा सा भी डैमेज नहीं मिलेगा। देख सकते हैं लेविटेशन का इफेक्ट खत्म होकर यहाँ पर गाइस मैं नीचे गिर गया और गाइस मेरे को हल्का सा भी डैमेज नहीं हुआ। ऐसे करते करते यहाँ पर आपको डिफरेंट टोटम देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर देख सकते हो आपको इधर विदर टोटम भी देखने को मिलेगा, जिससे आपको रिजनरेशन 3 का इफेक्ट देखने को मिल जाएगा। अब कैसे यहाँ पर मैं क्रीपर को स्पॉन करते हैं इधर विदर का टोटम के साथ, यहाँ पर तो हम मर गए यार। वाह मोदी जी वाह। सुखे सर आपको क्रीपर के सामने सिर्फ क्रीपर टोटम का यूज करना है, क्योंकि सर आप किसी और टोटम का यूज करोगे तो आप मर जाओगे। जैसे कि वहां पर देख पा रहा हूँ मैंने गाइस क्रीपर को यूज करा, अब मैं क्रीपर टोटम को हाथ में ले लेता हूँ और देखना गाइस मुझे हल्का सा भी डैमेज नहीं हुआ। देख सकते हो मुझे हल्का सा भी डैमेज नहीं हुआ, जितना भी डैमेज हुआ है वो ज़ॉम्बी ने दिया है। यहाँ पर गाइस मैं प्रूफ के लिए एक और क्रीपर को फोड़ देता हूँ, देख सकते हो मुझे बिल्कुल भी डैमेज नहीं मिला है। अब गाइस ऐसे करते करते आपको डिफरेंट टोटम देखने को मिल जाएंगे। देख सकते हैं वहाँ पर देख पा रहे टोटम ऑफ बैट, इससे गाइस आपको पूरा ब्लाइंडनेस का इफेक्ट मिल गया। और टोटम ऑफ सल्कर देख सकते हो कितना ज्यादा ऑसम मॉड है, और गाइस ऐसे करते करते आपको डिफरेंट टोटम देखने को मिल जाएंगे। सो चलो गाइस यहां से बढ़ते हैं हम अपने फोर्थ मॉड की तरफ।
सो गाइस अब जो हमारा फोर्थ मॉड निकल कर आता है, इस वाले मॉड का नाम है माइनक्राफ्ट, बट यू कैन क्राफ्ट ट्राइडेंट। इस वाले मॉड के अंदर गाइस आप जो ट्राइडेंट देख पा रहे हो उसको इजीली क्राफ्ट कर सकते हो, बहुत ज्यादा इजी रेसिपी है। आपको उसके लिए चाहिए होंगे 2 डायमंड और गाइस साथ ही में आपको 3 आयरन की स्वॉर्ड चाहिए होंगी। अब गाइस आपको कैसे बनाना है, सबसे पहले आपको क्राफ्टिंग टेबल को खोलना है। क्राफ्टिंग टेबल में गाइस आपको कुछ इस तरीके की रेसिपी को फॉलो करना है जिससे आपका ट्राइडेंट इजीली बन जाएगा। जिसके मैं देख पा रहा हूँ गाइस आपको सिंपली से इस रेसिपी को फॉलो करने के बाद एक ट्राइडेंट देखने को मिल जाएगा। सो गाइस ये वाला मॉड तो ज्यादा कुछ था नहीं इस वाले मॉड के अंदर, सो गाइस आप इसको ऐसे यूज कर सकते हो। तो चलिए गाइस यहाँ से पढ़ते हैं हम अपने 5th एंड लास्ट मॉड की तरफ जो कि बहुत ज्यादा ओपी है। सो गाइस अब जो हमारा 5वां मॉड निकल गया था, इस वाले मॉड का नाम है माइनक्राफ्ट, बट यू कैन क्राफ्ट कस्टम सील्स एंड कैन अपग्रेडेड। इस वाले मॉड के अंदर गाइस आप कस्टम सील्स को क्राफ्ट कर सकते हो और गाइस साथ ही में उन्हें अपग्रेड भी कर सकते हो। जिसके यहाँ पर देख पा रहे हो गाइस कितनी ज्यादा बढ़िया बढ़िया सील देखने को मिल जाएंगी। सबसे पहले गाइस यहाँ मैं आपको नेदरराइट की सील को यूज करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले गाइस हम इसको इक्विप करते हैं और गाइस मैं आपको दिखा देता हूँ कि गाइस ये कैसी लगती है। जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे मैंने गाइस इसको अपने ऑफ हैंड में पकड़ लिया। गाइस देखना मैं जैसे क्राउच करूंगा देख सकते हो कितना ज्यादा ऑसम लग रहा है। गाइस ये सील का टेक्सचर हो गया 150 लिखा है, ये इस शील्ड की पावर है। और गजर आपको इसको कैसे यूज करना है मैं आपको फिर वीडियो के अंदर बताऊंगा। सबसे पहले गजर काम करते हैं इस शील्ड को गजर वापस उसको दे देते हैं, क्या नाम है उसका, आर्मर स्टैंड को इस शील्ड को वापस पकड़ा देते हैं। अब गजर सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको गजर बनानी है वुडन शील्ड, क्योंकि सर वुडन शील्ड से सब कुछ होने वाला है। सबसे पहले आपको क्या करना है, वुडन शील्ड बनाने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी एक स्टिक और गजर 8 ओक वुड प्लैंक्स। अब गजर आपको बनाना कैसे, आपको क्या करना है, आपको गजर बीच में स्टिक रखनी और गजर चारों तरफ आपको ओक के प्लैंक्स रख देने जिससे आपकी वुडन शील्ड बन जाएगी। अब गजर आपको करना है वुडन शील्ड को अगर गजर आपका आयरन शील्ड में अपग्रेड करना है या फिर गजर किसी भी शील्ड में अपग्रेड करना है तो गजर आपको वो वाला मटेरियल चाहिए। जिसके गजर यहां पर मैं क्या करता हूं, मैं गजर इसको आयरन के अंदर अपग्रेड करता हूं। तो गजर आपको क्या करना है, आपको गजर ये जो शील्ड है इसको बीच में रखना है, आपको गजर चारों तरफ आयरन इंगट रखना है, गजर बीच में आपको वुडन शील्ड रखनी है जिससे गजर आपकी आयरन की शील्ड बन जाएगी। ऐसा करते करते गजर आप डायमंड की शील्ड तक बना सकते हो। लेकिन गजर नेदरराइट शील्ड की क्राफ्टिंग रेसिपी अलग है। सबसे पहले आपको उसके लिए चाहिए रेडस्टोन, एक वुडन शील्ड, साथ ही में नेदरराइट के इंगट। अब गजर आपको क्या करना है, सबसे पहले गजर आपको क्या करना है, आपको वुडन शील्ड को बीच में रखना है और गजर सबसे पहले आपको रेडस्टोन डस्ट को गजर 4 भागों में डिवाइड कर देना है। यहाँ पर देख सकते हो मैंने गजर 3 में कर दिया। अब गजर आपको क्या करना है, चौथे में भी गजर रख देना सेम टू सेम कुछ इस तरीके से। फिर गजर आपको क्या करना है, जो बचे हुए जगह है उसके अंदर गजर आपको रेडस्टोन डस्ट को कुछ इस तरीके से प्लेस कर देना है जिससे गजर आपकी नेदरराइट की शील्ड बन जाएगी, वो भी गजर बहुत ज्यादा इजी तरीके से। अब गजर मैं आपको अपने मुंह के सामने क्रीपर फोड़ के दिखाऊंगा कि गजर ये कितना ज्यादा हमला तक रोक सकती है। सबसे पहले गजर मैं क्या करता हूँ, मैं गजर अपने नेदरराइट शील्ड को अपने ऑफ हैंड में होल्ड कर लेता हूँ। अब गजर यहाँ पर मैं क्रीपर को स्पॉन करता हूँ और देखना गजर ये फूटेगा और गजर मुझे सिर्फ एक का भी डैमेज नहीं मिलेगा, लेकिन गजर शील्ड का सिर्फ एक का डैमेज होगा। जिसके यहाँ पर देख पा रहा हूँ गजर एक क्रीपर फटा और गजर शील्ड को सिर्फ 1% डैमेज हुआ है 150 में से। देख सकते हो सिर्फ गजर 2% डैमेज हुआ है, कितना ज्यादा ऑसम मॉड है ये वाला। सो गजर आई होप गजर आपको ये वाला मॉड पसंद आया होगा। सो चलो गजर अब मैं आपको इन वाले मॉड के डाउनलोड प्रोसेस बता देता हूँ। सो गाइस सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको गाइस कमेंट सेक्शन के अंदर 5वां लिंक पिन मिल जाएंगे, आपको गाइस वहां से जाकर इन वाले मॉड को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद गाइस आपको क्या करना है, जहां पर आपने इन वाले मॉड को डाउनलोड करा है आपको गाइस उस वाले फोल्डर में इसको ओपन कर लेना है। जिसके वहां पर देख पा रहे मैंने गाइस जगह पर इसको ओपन कर दिया। फिर आपको क्या करना है, आपको सिंपली से गाइस एक बार इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद व्यू के साइड में एक आपको ऑप्शन दिख रहा है, जैसे कि आप इस ऑप्शन पर क्लिक करोगे आपका गाइस मॉड आपकी माइनक्राफ्ट के अंदर इम्पोर्ट हो जाएगा। सो चलो गाइस आज की इस वीडियो के लिए इतना है। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी तो गाइस जरूर से जाकर वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट करना मत भूलना, क्योंकि अगर आप बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट नहीं करोगे तो आपके नोटिफिकेशन नहीं जाएगा। सो चलो गाइस आज की इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।